बेटी, ये क्या? लूजर्स पीछे। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। अब बता कितनी स्पीड पे चलाऊं? पापा फुल स्पीड। ओके। अरे खबरदार, जो 60 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई तो। ओके मैडम, जैसी तुमसे इच्छा। पापा पुलिस ऑफिसर होके भी डर गए। बेटा मैं कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाऊं, असली बॉस तो पीछे वाली सीट पे है। कायपना कायपन बोलता तुम्हें। से गायब हुई है तुम्हारी पोती? 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए आपकी पोती गायब है, और आप आवारे कंप्लेन लिखो ना। क्या नाम है उसका? प्रिया, 23 साल की है। सर ये लड़की की फोटो। अरे हाईवे पे अकेली लड़की। ये आगे ढाबे तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज? ठीक है ठीक है, आ जाओ। थैंक यू मैम, मैं बैग लेके आती हूँ। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। 69 साल पहले कई शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली थी, पर क्या आज हम उस आज़ादी की महत्वता को समझ पा रहे हैं? हमारे देश का जो भविष्य है शायद उनके लिए आज़ादी का वो अध्याय सिर्फ इतिहास के पन्ने हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है नया इतिहास लिखने का, आज़ादी का नया व्याकरण समझने का, ये समझने का कि हमें जितना खतरा बाहरी ताकत से है उससे कहीं ज्यादा खतरा अंदरूनी ताकत से है। आज आजादी अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति नहीं है, बल्कि उन बेड़ियों से मुक्ति है जो हमारे घरों में पनप रही हैं। आइए सर। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बेटी कैंप पर गई है, पर कहां गई है ये आपको नहीं पता? साहब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पर माँ बाप की रोक टोक नहीं चलती। साहब वैसे भी वो हमारी बात सुनती कहां है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। राजाराम कैसी बात कर रहे हो तुम? हमें तो ये भी पता नहीं कि प्रिया कहां चली गई है, और तुम बता रहे हो कि वो कैंप के लिए गई है। बाबा तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना साहब से। हेलो सर, हाईवे पे इंस्पेक्टर तावड़े और उनकी फैमिली का मर्डर हो गया है। क्या? साहब ऐसा नहीं कि हमने उसे फोन नहीं लगाया, हमने उसको कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ या आउट ऑफ कवरेज है। साहब वो अपने मामा के यहाँ नागपुर गई है, और वहां से वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई। मामा का नंबर है? जी जी लगाइए।
मैं अमरावती पुलिस स्टेशन से पीआई तांबे बोल रहा हूँ। अमरावती पुलिस स्टेशन से? कहिए क्या काम है? आप प्रिया को जानते हैं? जी हाँ जानता हूँ ना। मेरे पास ही रह रही है, वो कल ही अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गई है पहाड़ों पर। उसका फोन भी नहीं लग रहा, लगता है शायद नेटवर्किंग नहीं है। पर हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा फोन करें। देखा साहब, मैंने कहा था ना कि अपने मामा के यहीं गई है। अरे इन लोगों की तो उम्र हो गई है, इन्हें ना कुछ याद रहता है ना कुछ समझ में आता है। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जैसे प्रिया आ जाए तो हमें खबर कीजिएगा। जी जी साहब बिल्कुल। डार्लिंग, इस फैमिली पे नजर रखो, पता करना है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सठिया गए हो तुम दोनों, एक वो कलमोही और ऊपर से आप दोनों, जाने ले लो मेरी। लेकिन राजाराम, हमें तो ये भी पता नहीं कि प्रिया इस वक्त कहाँ है, किस हालात में है और तुम की। अच्छा हुआ चली गई, अब ज्यादा ढिंढोरा मत पीटो। मैं तो कहता हूँ मरी गई होगी तो अच्छी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से पहले ही वो हादसा हो गया है। और अब पुलिस भी आ गई है घर में। लेकिन राजाराम। बाबा तुम्हें राहु दिया, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आले प्रिया, मेरी बच्ची, कैसी है तू? अच्छी हूँ। तू कहाँ गई थी बेटा? बबलू कैसा है तू? प्रिया आ जाओ। बा आ गई तू बेटा? बेटा कहाँ गई थी तू? कितने परेशान थे हम लोग। अजूबा मैं ट्रैकिंग के लिए गई थी। ट्रैकिंग के लिए गई थी या गुल खिलाने? कहाँ गई थी तू? आई मैं सच में ट्रैकिंग के लिए ही गई थी। झूठ बोल रही है तू, पहले भी तूने कम गुल खिलाए थे। तेरी वजह से ही अपाहिज हुआ है, पैदा होते ही मर जाती ना तो अच्छा होता। तेरी वजह से पहली बार इस घर में पुलिस आई, कितनी बदनामी हुई हमारी पता है तुझे? अब जा अपनी मनु शक्ल लेके पुलिस स्टेशन और बता उन्हें कि तेरी इन करतूतों में हम शामिल नहीं है। अच्छा बेटा, तू बिना बताए गई थी ना, इसलिए तुझ पर सब नाराज है, बुरा मत मानना बेटा। प्रिया ये तेरे हाथ पे क्या हो गया? कुछ नहीं आजा, वो ट्रैकिंग करते वक्त गिर गई थी। मैं पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। लीजिए, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, लीजिए ना, आप भी लीजिए। प्रिया आ गई। यह है हमारी बेटी प्रिया। प्रिया बेटे नमस्ते करो। आपकी बेटी बहुत सुंदर है और हमें बहुत पसंद आई, हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। अरे वाह, फिर तो क्या बात है, शादी का मुहूर्त निकालते हैं जल्दी। ठीक है भाई साहब, जैसे आप कहें। दीपक जी, अगर आपको प्रिया से कुछ अकेले में बात करनी है तो आप कर सकते हैं, आजकल तो लड़के लड़कियां करती ही हैं। जी जरूर। अरे प्रिया बेटे इन्हें अपना कमरा दिखाओ, जाइए दीपक जी, जाइए जाइए, देखिए देखिए, जाओ बेटे जाओ। ताई आप आइए ना, मैं आपको घर दिखाती हूँ, आइए। राजा तेरा दिमाग खराब हो गया, अपनी उम्र के आदमी के साथ तू प्रिया की शादी बना रहा है? अपना मुंह बंद रखो भाई, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जितना जल्दी इसकी शादी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। मेहरबानी करके आप दोनों अपना मुंह बंद रखो। प्रिया
तुम तो मुझे पहली नजर में ही भाग गई। अरे ये क्या कर रही, मेरा हाथ क्यों मार रही तू? अरे हाथ तो जोड़ो। चुपचाप नीचे जाके बोल कि तुझे मुझसे शादी नहीं करनी, समझा? आप बोल दो, हाथ तो जोड़ो। कल हाथ मारो। हमें माफ कर दीजिए, हमें शादी नहीं करनी है आपकी बेटी से। नमस्ते। मैं उसे जान से मार दूंगा। पागल हो गया क्या? इस लड़की ने पागल कर दिया है मुझे। उस जैसे बेकार आदमी ने भी इसके साथ शादी करने से मना कर दिया। उसे उस बात का पता चल गया होगा। अरे तो मैं क्या करूं? जो कुछ भी हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ है। जाके कहीं मर क्यों नहीं जाती, या फिर मेरी ही जान ले ले। मैं रेडी हूं। प्रिया चाहती क्या थी? एक छोटे से शहर की मासूम सी दिखने वाली लड़की आखिर किस मंजिल की तरफ बढ़ रही थी? दुश्मनों ने जहां पुलिस ऑफिसर और उनकी फैमिली को मार गिराया था, प्रिया वहीं आसपास मौजूद थी। तो क्या प्रिया भी उन हत्यारों के गैंग का हिस्सा थी? एक तरफ जहां प्रिया दिन ब दिन रहस्यमयी होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ नागपुर पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी उन आतंकियों की दहशत को खत्म करने की। ऑफिसर अविनाश ने खुद ये बीड़ा उठा रखा था और लगातार रेड्स करके वो सबका सफाया कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिससे वो खुद भी चौंक गए। खबर तो पक्की है ना आपकी? बिल्कुल पक्की खबर है साहब, यहाँ से ही आएंगे। तो हम और आगे जाके बैठ सकते हैं क्या? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है वहाँ उन्होंने जाने में देर की। क्या या वार्निंग देनी है? वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है, अलर्ट हो जाएंगे और हॉस्टेजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान रहे हॉस्टेजों को नुकसान ना हो। उसे चेक कर। आ जाओ आ जाओ।
सरहद के पार दुश्मनों से लड़ते हुए कम से कम ये तो पता होता है कि दुश्मन कौन है, लेकिन जब लोग देश के अंदर ही आतंक फैला रहे हों तो दुश्मन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागपुर पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बड़ी हिम्मत दिखाते हुए 7 लोगों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ने में कामयाब रही। प्रिया वापस आ गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहां गई थी, क्यों गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। उसके आने से सिर्फ उसके दादा दादी खुश थे, उसके माता पिता तो उससे नफरत करते थे। पर ऐसा क्या हुआ था और वो कौन से हादसे की बात कर रहे थे जिसके बाद उन्हें प्रिया से इतनी नफरत हो गई थी? प्रिया! अरे राजू, जीतू, कैसे हो? एकदम बढ़िया, तू कैसी है? एकदम अच्छी हूँ। और कैसा रहा तेरा ट्रेकिंग ट्रिप? बहुत अच्छा था, अगली बार तुम दोनों को भी ले चलूंगी। चलेंगे ना? पता है, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, वो आजी और आजोबा ने घबरा के रिपोर्ट लिखवा दी थी, पर अब सब ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन होके आई हूँ। अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे यार, इसमें डरने वाली क्या बात है यार, पुलिस वाले आके क्या तुझे दंडे मारेंगे? पागल है ये। बहुत डीटेल सर, कुछ नहीं बोल रहा। तो फिर किस काम का ये? उड़ा दो इसे, 7 की जगह 8 डाल देना रिपोर्ट में। राइट सर। तो फिर जितना मालूम है पकना शुरू कर। सर, ये लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो इनके ट्रेनिंग कैंप में भी आते हैं। कौन है वो स्टूडेंट्स, नाम क्या उनके? नाम नहीं पता सर, पर उनमें एक लड़की भी है। और एक खास बात सर, उनका एक खास ड्रॉप पॉइंट है सर अमरावती शहर में, जहाँ उन तक इस काम के लिए पैसे और दूसरे मटेरियल पहुँचाए जाते हैं। मुझे सर बचा लीजिए, नहीं तो वो लोग छोड़कर मार डालेंगे सर। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे बचा लीजिए। पता करो, चल पता भगना शुरू कर। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को बहला फुसला करके अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन उग्रवादियों को रोकने के लिए सबसे पहले हमें इनके रिक्रूटमेंट्स को रोकना होगा। आप एक काम कीजिए, आप सारे मॉल्स में, कॉलेजेस में और कॉफी शॉप्स में कड़ी निगरानी रखिए। और एक बात, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप उस एड्रेस पर 24/7 सर्वेलेंस रखिए। ठीक है सर। ये उन उग्रवादियों का सस्पेक्टेड ड्रॉप पॉइंट है, और यहाँ पे कोई भी आए या जाए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऑलराइट, बताइए सर। अब एक लड़का यहाँ से ग्रे टी शर्ट और ब्लू जींस में निकला है। हाँ, उसके पास बैग भी है। उसका पीछा करो, उस पर नजर रखो, लेकिन पकड़ना मत। और इस मामले की जड़ तक पहुँचना। जी जी सर। खेलने जा रहा हूँ अब। अरे होमवर्क, अरे तो होमवर्क बाद में कर लूंगा। आई बहुत चिल्लाएगी। अरे हमें बाद में करना होमवर्क। बहुत सारी समझे थे कॉलेज में। ए चुप, ए चुप, ए पकड़ इसको, ए चुप, नहीं तो बता दे, ए हट से, पकड़ इसको, ए चुप, बहुत सारी बंदूक, ए हट इसको। सर, उस लड़के का नाम राजू है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, हिमाचल के रहने वाला है। हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए रूम लेके अकेले रह रहा है। पढ़ाई में एवरेज से बेहतर है, कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। कॉलेज में अटेंडेंस भी बहुत अच्छा है,
सिवाय एडवांस फिजिक्स के क्लास के। ऐसा क्यों? सर उस क्लास का समय 2 से 4 होता है और वो उस समय अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर रहता है। कौन है ये 2 दोस्त? सर एक लड़का है और एक लड़की। उसके घर से हमें कुछ चीजें बरामद हुई हैं सर। जब तक मुंह नहीं खोलेगा तब तक पिटेगा। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। ये क्या है? ये तेरे बैग से मिला है? सर मुझे नहीं पता था सर बैग में ये सब है। वो तो सर कॉलेज में किसी ने मुझे अप्रोच किया था और उसने कहा था सर अगर ये बैग तुम अपने पास रखोगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे सर। सर मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ सर। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी सर, घर वाले भी पैसे नहीं भेज पा रहे थे पढ़ाई के लिए। राजू या तो तू हमें बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझता है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सीधा सीधा बता तेरे कॉलेज से और कौन कौन शामिल है इसमें? सर कोई नहीं है सर। फिर ये प्रिया और जीतू कौन है? सर वो तो दोस्त है सर, क्लासमेट्स है। जीतू तो सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और प्रिया पढ़ाई में अच्छी है तो सर नोट्स लेता हूँ सर। उनको नहीं पता था सर कि मैं बैग पहुँचाने के लिए पैसे ले रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको उल्टा लटका के मारो। नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो राजू और जीतू तुम्हारे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं जानती उनके बारे में? नहीं सर, पर हुआ क्या है और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गैर कानूनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वैसे ये राजू और जीतू को तुम कब से जानते? जब से कॉलेज में एडमिशन हुए तब से जानता हूँ। प्रिया मेरी दोस्त है और राजू हिमाचल का रहने वाला है, वो यहाँ अकेला रहता है। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर इसके अलावा। फिलहाल जा सकती हो, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। जी सर। एक मिनट सर, आपको याद है इसी लड़के के दादा दादी ने मिक्सिंग कंप्लीट लिखवाई थी, ये जब घर वापस आई तो ये हाजिर लगाने को आई थी, तब आप नहीं थे सर। वैसे गई कहाँ थी तू? सर नागपुर के पास जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गई थी सर। बहुत अच्छी जगह है सर, मैंने इन्हें फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे। हाँ सर, ये देखिए। घर वालों को बिना बताए गई थी? मैं बता के ही गई थी। अरे ये तो वही जगह ना, यहाँ का निरंजन ढाबा बहुत मशहूर है, वो मक्के की रोटी और काली दाल बहुत मशहूर है वहाँ की, खाना खाया था? हाँ सर, इतना दूर जाए और निरंजन ढाबे ना जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं गई थी वहाँ। सर क्या मैं अब जा सकती हूँ? ठीक है, थैंक यू सर। इस पर नजर रखो, ये निरंजन ढाबा मैंने अभी क्रिएट किया है, ऐसा कोई ढाबा है नहीं, झूठ बोल रही है ये। किसके लिए काम करती हो? क्यों दिए जाते हैं ये पैसे तुम्हें और कौन देता है? बोला, इसे लॉकअप में डालो, ना इससे कोई मिलेगा ना इससे कोई बात करेगा, कंप्लीट आइसोलेशन में रहनी चाहिए। सर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, 48 घंटों से उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा, न खाती है न पीती है न रिएक्ट करती है, कुछ भी नहीं बोल रही सर। ठीक है मैं आ रहा हूं। क्यों कर रही हो ये सब? देखो प्रिया, मैं जानता हूं कि कोई बहकावा है, कोई मजबूरी है, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो कौन मिलने आया है तुमसे? प्रिया, मेरी मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है ये? ठीक है बेटा, ये क्यों हुआ सब? Oh, my God.
मेरी बच्ची। मेरे पापा हमेशा से एक लड़का चाहते थे सर, पर मैं पैदा हो गई। वो मुझे प्यार तो करते थे, पर दिल में हमेशा लड़के की ही ख्वाहिश थी। उसके बाद बबलू हुआ। बबलू और मुझ में 7 साल का फर्क है सर, पर बचपन में ही मैं उसकी माँ बन गई। फिर एक हादसे में बबलू अपाहिज हो गया और सारा कसूर मेरे माँ बाप ने मुझ पे डाल दिया। पर वो लोग मुझसे नफरत करने लगे, मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इन हालातों में जब मैं कॉलेज गई तो वहां अनिरुद्ध मिला। उसने मुझे सहारा दिया, हिम्मत दी। धीरे धीरे वो मेरे कॉलेज जाने की वजह बन गया। कॉलेज तो क्या, वो मेरे जीने की वजह बन गया, क्योंकि उसने मुझे अपने लिए लड़ना सिखाया, ताकत दी। देखिए साहब, हमारी बच्ची मुजरिम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहक जरूर गई थी। इसे इसे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। इसके बदले मुझे, अंकल जी हमें भी पता है किन हालातों की वजह से इसके कदम बहके। अगर शायद आपको भी याद होगा कि इसके बहके हुए कदमों की वजह से कितने लोगों की जान गई, कितने पुलिस ऑफिसर मारे गए हमारे। देखो बेटा, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मुश्किल वक्त और हालात कई बार इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। प्रिया के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। अपने साथ हुए बलात्कार और अपने परिवार के साथ साथ सारी दुनिया द्वारा अकेले छोड़ दिए जाने की वजह से उसने अपने हाथों में हथियार उठाया था, हिंसा को अपनाया था। लेकिन गलत कदम उठा लेना एक बात होती है और गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जाना दूसरी। और अब देखना यह है कि क्या प्रिया इस बात को समझकर गलत रास्ते पर उठाए अपने कदमों को रोक पाएगी। क्या वो सही रास्ते पर लौटकर गुनाह और गुनहगारों से लड़ने में पुलिस की मदद करेगी, या उसका हिस्सा बनकर इस दलदल में और गहरी धंसती चली जाएगी। कोई नहीं, भाग गए सारे। चेक करो, सब चेक करो, कमन उधर जाओ। AK-47 सर, जमा करो यहाँ पे। और इस जगह को सील करो, ये सब लेके आओ बाहर। सर ये तो बहुत बड़ी जीत है। You're right. पर एक अजीब सी बात नोट की तुमने, प्रिया के दिए हुए हर इंफॉर्मेशन से हमने जहां भी रेड लगाई वहां पे हथियार तो बरामद हुए, पर कोई पकड़ा नहीं गया। कोई है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इनफैक्ट एक रेड से पहले हमें इंफॉर्मेशन थी कि उस घर में लोग मौजूद थे, पर जब वहां रेड लगाई सिर्फ हथियार मिले। वो कौन है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? हेलो, कांग्रेचुलेशंस प्रिया, तुमने जो पता दिया था वहां पे हमारी पुलिस टीम ने रेड डाली और बहुत सारे हथियार बरामद किए। हालांकि कोई पकड़ा नहीं गया, फिर भी तुम उन लोगों के टच में रहो और हमें खबर देती रहो। ओके सर। अंकल ये 10 बूंदी के लड्डू दे दीजिए। उस पुलिस ऑफिसर को अब मुझ पे पूरा भरोसा हो गया है। हेलो, पुलिस को लग रहा था कि प्रिया उनके साथ है। वो उसका इस्तेमाल करके उग्रवादियों के नेटवर्क को तोड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हकीकत उनकी उम्मीद से ठीक उलट थी। असल में ये प्रिया और उन उग्रवादियों की साजिश थी, उस बहादुर स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर ACP अविनाश को खत्म करने की।
जो उनके गलत मकसद और नापाक मंसूबों के बीच में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था। ये जाल था उसे फंसाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। अब देखना यह था कि क्या वक्त रहते पुलिस या एसीपी अविनाश को इस हकीकत का पता चल पाएगा, क्या एसीपी अविनाश अपने आप को बचा पाएंगे। हाँ प्रिया। सर, करंजी हाईवे पे आज एक स्मगलिंग होने वाली है, रेड कार में कैश और वेपन्स की। क्या? अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगले एक घंटे में होने वाला है और आपको वहां फौरन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, कीप मी इनफॉर्म्ड। ओके ओके सर। ऑलराइट। मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। पापा, तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग है ना, प्लीज पापा चलो ना। बेटा आई एम सॉरी, मुझे काम पे जाना है ना। टेक केयर ऑफ हर। देशपांडे, प्रिया के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक करंजे रोड पे किसी लाल गाड़ी में वेपन्स की तस्करी होने वाली है। जल्दी से पता करो कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं और मुझे बड़ी नाका में मिलो। ठीक है? ठीक सर, खबरी का फोन था, बता रहा था कि प्रिया ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्कुल करेक्ट है। सब जैकेट पहन लो, मुझे भी दो। ठीक है सर, जैकेट निकालो। बेटी ये क्या? सर, लगता है ये वही वैन है। पाटिल, नैयर, तुम लोग जाके वैन को चेक करो, बाकी सब पोजीशन लो। बाबू, तुम्हारे माँ बाप को क्या इसी ने मारा? देखिए, ये दोनों खून प्रिया ने किए। क्या? उसने ऐसा क्यों किया होगा? साहब, बात यह है कि कुछ समय पहले कुछ गुंडों ने प्रिया के साथ रेप किया था। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? राजाराम नहीं चाहता था। राजाराम को लगता था कि बबलू की हालत प्रिया की वजह से हो गई है, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करता था। कहता था कि वो तू मर जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। राजाराम हमेशा हॉस्पिटल में सिर्फ बबलू से मिलने जाता था, प्रिया से कभी नहीं मिलता था। इस बात का गुस्सा प्रिया के मन में बहुत दिन से पल रहा था, इसलिए उसने राजाराम मतलब एसीपी साहब, हेलो सर, प्रिया अपने माँ बाप को मार के यहाँ से भाग गई। क्या? और आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके वहाँ भेजने का प्लान भी उसी का है। ओह माय गॉड, उसे अरेस्ट करो सर। डॉक्टर, इट्स अ ट्रैप, वापस आओ जल्दी।
सर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, बस एक चीज छोड़ के मैंने अपने माँ बाप को मार डाला। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी पर्सनल रंजिश हम सबके मिशन से बढ़कर हो गई है। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें ट्रेनिंग में? अरे हम सब एक मिशन लेके चल रहे हैं और तुमने उन्हें मारकर हम सब के लिए खतरा पैदा कर दिया है। I'm sorry, sir. पर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए नागपुर चले जाओ। मैं वहाँ कवर कर देता हूँ, तुम्हें कुछ दिन वहाँ के जंगल के कैंप में रहना होगा। ओके सर। पांडे कवर फायर थे सर, कवर कर। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सही कहा आपने, आपके पास टाइम बहुत कम है। और सच तो यह है कि आपके पास टाइम है ही नहीं। आपको क्या लगा था मैं आप लोगों के लिए काम करती हूं? कहां थे आप लोग? कहां थे आप लोग जब मेरे ऊपर जबरदस्ती हो रही थी? कहां थे आप लोग जब मेरा रेप करने वाले खुलेआम घूम रहे थे? उस वक्त मुझे जिसने सहारा दिया मैं उनके लिए काम करती हूं। हमें अच्छी तरह पता था कि आप लोग मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमने झूठी खबर आपके खबरियों तक पहुंचाई कि हमला होने वाला है। हमला तो होने वाला है पर तुम्हारे लोगों पर। पांडे कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई नहीं दिख रहा। पांडे सामने से सिविलियंस को बसा रही है, इनके हाथ लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तू जाकर रोक। लेकिन सर कवर से बाहर निकले तो ये हम पर गोलियां चला देंगे। अरे मैं कवर फायर करता हूं, तू जा। सर जान की परवाह तो हम लोग भी नहीं करते, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ दहशत फैलाते हो। जो पुलिस तुम लोगों को बुरे लोगों से बचाती है उनको मारना चली हो? इतनी कट्टरपंथी आती कहां से तुम लोगों में? पुलिस वालों को मारना चाहती हो ना तुम? हम मरेंगे लेकिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये सब करके तुमने हासिल क्या किया? अपने अपाहिज भाई को अनाथ कर दिया, अपने लाचार दादा दादी को इस उम्र में अकेला छोड़ दिया, ये हासिल किया तुमने। इसको मारते रहो जब तक ये ना बताए कि इसका सरगना कौन है, और अगर जरूरत पड़े तो इसके दादा दादी को अंदर डाल के उनकी भी खातिरदारी करो। उस बस को रोक और उसके अंदर घुस जा।
प्रिंसिपल साहब, कॉलेज में बैठने के दिन बीत चुके हैं, जेल जाने का वक्त आ चुका है। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? क्या तूने इन मासूम स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? उनको सही शिक्षा देने के बजाय उनका भविष्य बर्बाद किया। तेरी वजह से न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। अगर तू इन मासूम बच्चों को सही शिक्षा देता और ये आतंक का खेल ना खिलवाता, तो हमारे न जाने कितने बहादुर अफसरों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। सब कुछ प्रिया ने बता दिया। चल ले चलो। वो लोग जिनकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है और ना ही आतंक फैलाने की वजह, वो हमारे घरों की तरफ देखते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसे वो बहका सकें, और फिर किसी एसीपी अविनाश जैसे पुलिस ऑफिसर को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। अगर प्रिया को उसका हक मिला होता, उसे उसके हिस्से का प्यार मिला होता, तो क्या वो कभी ऐसा कदम उठाती? हम आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सोच में आज़ादी ला पाए हैं? देश के बाहरी दुश्मनों से आज़ादी की 70वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी बनाई हुई बेड़ियों से हमें कब आज़ादी मिलेगी? और जिस दिन हम वो आज़ादी पालेंगे, उस दिन हम कह पाएंगे कि हमने पूर्ण स्वराज पा लिया है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।